तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं काले छेद यानी कि ब्लैक होल के बारे में। तो ये काला छेद क्या है, ये क्यों बनता है, ये कहाँ बनता है और ये कैसे बनता है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये काला छेद यानी कि ब्लैक होल आखिर होता क्या है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो ब्रह्मांड में सबका चूस लेता है। आई मीन ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जिसका ग्रेविटेशनल पुल काफ़ी ज़्यादा होता है और वो अपने आसपास आने वाली सभी वस्तुओं को अपने अंदर समा लेता है, फिर चाहे वो कोई प्लैनेट हो या फिर कोई तारा। इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ से लाइट भी नहीं निकल सकती और इसीलिए ये होल हमें ब्लैक दिखाई देता है। एक्चुअली में ये दिखाई ही नहीं देता है और इसीलिए इसे काला छेद यानी कि ब्लैक होल कहते हैं। और एक बात याद रखना कि असल में कोई छेद यानी कि होल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि ये काला छेद यानी कि ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है। तो तारा सुतारिया, माफ करना मैं इधर उधर पूछा, मैं इधर उधर निकल जा। तो एक स्टार मेनली बना होता है हाइड्रोजन से और स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होकर बनते हैं एक हीलियम का एटम। और इस प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो कि हमें मिलती है एज अ रेडिएशन। स्टार की ग्रेविटी और रेडिएशन में जब तक बैलेंस बना रहता है तब तक वो स्टार स्टेबल रहता है। पर अगर किसी स्टार का मास काफी ज्यादा हो तो उसके कोर में और भी कई सारे एलिमेंट बनते हैं और लास्ट में बनता है आयरन। और इस प्रोसेस के दौरान हाइड्रोजन की मात्रा लगातार कम होती रहती है और एक समय ऐसा आता है जब हाइड्रोजन खत्म भी हो जाता है। फिर आयरन स्टार के कोर में जमा होता रहता है और ग्रेविटी एंड रेडिएशन के बीच का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है और ग्रेविटी की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और इसी वजह से स्टार कोलैप्स हो जाता है। और इसी दौरान वो बन जाता है न्यूट्रॉन स्टार और अगर उसका मास काफी ज्यादा हो तो वो बन जाता है काला छेद यानी कि ब्लैक होल। तो इस तरह निर्माण होता है काले छेद यानी कि ब्लैक होल का। अगर आप ब्लैक होल को ध्यान से देखो तो आपको ये बॉर्डर दिखाई देगी जिसे कहते हैं द इवेंट होराइजन। आपको ब्लैक होल में सिर्फ इवेंट होराइजन ही दिखाई देगा। और कुछ टाइम पहले जो ब्लैक होल की तस्वीर ली गई थी वो असल में इवेंट होराइजन की तस्वीर थी। ब्लैक होल को देख पाना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसकी गांठ फाड़ देने वाली ग्रेविटी से लाइट भी नहीं निकल सकती। और अगर किसी को ब्लैक होल से बाहर निकलना हो तो उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा होनी चाहिए। और ऐसा पिछली बार तब हुआ था जब हमें जोनी भाई की वीडियो में लॉजिक मिला था, यानी कि कभी नहीं, क्योंकि लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करना और जोनी भाई के वीडियो में लॉजिक ढूंढना ये दोनों ही काम इम्पॉसिबल है। अब इवेंट होराइजन का तो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है पर ये जो अंदर का ब्लैक पार्ट होता है जिसे सिंगुलरिटी कहते हैं इसके बारे में किसी को घंटा कुछ नहीं पता। कई लोगों का मानना है कि ये एक बहुत ही डेंस जगह है जिसमें उसका सारा मास एक सिंगल पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट हो रखा है, या फिर कुछ और भी हो सकता है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। कई लोगों को लगता है कि ब्लैक होल पूरे ब्रह्मांड को एक झटके में निगल सकता है पर ऐसा नहीं है। ब्लैक होल सिर्फ उन्हीं चीजों को निगलता है जो उंगली करने उसके बहुत ज्यादा करीब गए हो। बाकी सारी चीजें जो काले छेद यानी ब्लैक होल से काफी दूर है उनके लिए तो ब्लैक होल बागबान के सलमान खान की तरह है। और अगर हम हमारे सोलर सिस्टम की बात करें जिसमें हमारे सूरज की जगह कोई ब्लैक होल ले ले जिसका मास हमारे सूरज जितना ही हो तो हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये बात अलग है कि सूरज की गर्मी ना मिलने के कारण पूरी पृथ्वी बर्फ से जम जाएगी पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ब्लैक होल पूरे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट को निकल जाएगा। अब कई लोगों का यह सवाल होता है कि क्या होगा अगर हम ब्लैक होल में गिर जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा सबसे नजदीकी ब्लैक होल हमसे कुछ ज्यादा ही दूर है और वो दूरी है करीब 3000 लाइट ईयर। अगर आप लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 3000 साल लगेंगे उस ब्लैक होल तक पहुंचने के लिए। तो वहां पहुंच पाना अभी के लिए तो इम्पॉसिबल है पर हम मान लेते हैं कि आप में से कोई ब्लैक होल तक पहुंच जाता है और वो उस ब्लैक होल में कूदना चाहता है, जो कि बिल्कुल ही वाहियात आइडिया है क्योंकि ऐसा करने से उसकी फटके चार हो जाएगी, उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा और ब्लैक होल की ग्रेविटी उसकी कह के लेगी। अगर आपको जानना है कि ब्लैक होल में कूदने पर क्या होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ब्लैक होल में कूदने से आपके साथ क्या होगा वो उसके मास पर डिपेंड करता है। ब्लैक होल भी अलग अलग साइज के होते हैं। कुछ ब्लैक होल का मास हमारे सूरज जितना होता है और उसका डायमीटर किसी मीडियम साइज एस्टेरॉयड जितना होता है। और कुछ सुपर मैसिव ब्लैक होल भी होते हैं जो सभी गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं और अरबों सालों से अपने आसपास की चीजें ठूस रहे हैं। कई सारे ब्लैक होल्स का मास हमारे सूरज के मास से कई बिलियन गुना ज्यादा होता है और ऐसे ब्लैक होल को सुपर मैसिव ब्लैक होल भी कहा जाता है। कई लोगों को लगता है कि ब्लैक होल हमेशा कुछ ना कुछ ठूसते रहते हैं इसीलिए उनकी साइज हमेशा बढ़ती रहती है, पर ऐसा नहीं होता। हॉकिंग रेडिएशन की वजह से वो इवोपरेट भी होते हैं। हॉकिंग रेडिएशन की वजह से उसकी एनर्जी घटती है और उसका साइज भी कम होने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो उसकी सारी एनर्जी घुमा कर RIP इन पीस हो जाता है। पर ब्लैक होल को RIP इन पीस होने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। अगर हम हमारे सबसे बड़े ब्लैक होल की बात करें तो उसे करीब 1 गूगल साल लगेंगे इवोपरेट होने में। और 1 गूगल साल का मतलब होता है 1 के पीछे 100 जीरो, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को पसंद यानी लाइक ज़रूर कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।